जिला सामान्य रुग्णालय में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान पीसीपीएनडीटी कायदे की गंभीरता से अमल बजावनी करना आवश्यक होने का डॉक्टर निवृत्ति राठौड़ ने बताया। समाज में लड़कियों का प्रमाण बढ़े और भ्रूण हत्या पर रोक लगे, इसके लिए गर्भधारणा पूर्व और प्रसव पूर्व सुधारणा अधिनियम 2003 अमल में आया है। संबंधित रुग्णालय और सोनोग्राफी केंद्र ने इस कायदे की गंभीरता से अमल बजावनी करे, अन्यथा कानूनन कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर निवृत्ति राठौड़ ने स्पष्ट किया। जिला सामान्य अस्पताल में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक में वे बोल रहे थे। इस समय डॉक्टर पल्लवी इंगड़े, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दीप्ति श्रीरामे, शकिरण तज्ञ डॉक्टर जी आर पाटिल, एडवोकेट मंगला बोरीकर आदि उपस्थित थे। भ्रूण हत्या जैसी अपप्रवृत्ति रोकने के लिए पीसीएनडीटी कायदा लागू किया गया है, ऐसा बताकर डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि कायदे की तरतूदी का पालन होना आवश्यक है, कोई भी उसका उल्लंघन ना करे। जिले में ऐसा प्रकार सामने आने पर संबंधित रुग्णालय या सोनोग्राफी केंद्र पर कानूनन कार्रवाई प्रसंग पर अपराध दर्ज किया जाएगा। साथ ही सोनोग्राफी केंद्र ने नूतनीकरण का प्रस्ताव 1 महीने पूर्व पेश करना आवश्यक है। अपने केंद्र में कोई भी बदलाव करना होने पर इस बारे में प्राधिकृत अधिकारियों की अनुमति दे, अनुमति न लेते सोनोग्राफी केंद्र में बदलाव करने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। जून महीने में जिले में दर 1000 लड़कियों का प्रमाण 834 तो लड़कों का प्रमाण 830 था। इस महीने में स्त्री पुरुष प्रमाण 1005 इतना रहा है, तो जुलाई महीने में प्रमाण 967 था। जुलाई महीने में दर 1000 लड़कियों की संख्या 841 तो लड़कों की संख्या 870 होने की जानकारी बैठक में दी गई।